कल बीजेपी का नोट बंदी का है या नोट बदली का है, कल आज पूरा एक साल हो गया है, तो इस नोट बंदी में और जीएसटी के संबंध में आप क्या कहेंगे? मान्यवर, क्योंकि वो गरीब तबके के संगठन है ही नहीं है, देश में गरीब भुखमरी के कागार पे है, सारे छोटे बड़े उद्योग बंद हो चुके हैं और नोटबंदी इस देश में अघोषित आपातकाल है और उसका परिणाम है कि बेरोजगारी अपने चरम पे है, डेवलपमेंट चारों तरफ रुक चुका है मित्र, और गरीबों को खाने के लाले पड़े पड़े हैं, पूरा देश देख रहा है इसका परिणाम। मोदी आज चुनाव करवा लें, केंद्र सरकार की चुनाव हो जाए, आम चुनाव हो जाए, उसमें देखें, गुजरात उसका एक नमूना आपके सामने आने जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा दीपचंद राम जी, आप जब ये चुनाव हो 2019 के अंदर, तो आप बैलेट पेपर से कराना चाहेंगे या मशीन से कराना चाहेंगे? नहीं, ये सरकार की नीयत खत्म हो चुकी है बैलेट पेपर। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में डीएम और कमिश्नर, डीएम और एसपी दोनों आपस की विवाद में, एक प्रमाण है मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि ये जो है कि इनका ईवीएम संदिग्ध के दायरे में, हम बैलेट पेपर से इनका वोट कराना चाहता हूँ, पूरे देश में बैलेट पेपर से ही वोट कराना चाहता हूं, अन्यथा ये आधार कार्ड को ईवीएम से जोड़ के दिखावे ना, सारे विषयों को इन्होंने आधार कार्ड से जोड़ा, ईवीएम को आधार कार्ड से जोड़ के दिखावे, हमारी इनको चुनौती कि ईवीएम को आधार कार्ड से जोड़ दें।